आप लोग वीडियो और ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग अपना मोबाइल मोटो व्लॉगिंग सेटअप यानी कि किस तरीके से मैं अपने मोबाइल फ़ोन को हेलमेट पे माउंट करके मोटो व्लॉग करता हूँ वो दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास भी बजट कम है और आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कम से कम बजट पे किस तरीके से एक अच्छा सा मोबाइल मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो एक मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ऑब्वियसली एक अच्छा सा हेलमेट। मैं यहाँ पे एक्सोर हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इसलिए वाइंड अंदर आने के चांसेस भी कम है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज़ आपके पास दूसरा कोई भी नॉर्मल सा हेलमेट भी अगर है और उसमें भी अगर आप मोटो ब्लॉग करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। सिंपली उसमें थोड़ा सा वाइंड का इशू आ सकता है, तो जिस जिस जगह से वाइंड आएगा वो जगह आपको सिंपली पैक कर देना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हेलमेट चेन माउंट। स्क्रीन पे आपको दो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एक एक्शन प्रो का स्ट्रेप वाला दिख रहा है जो कि रिमूवेबल है और इसका प्राइस 499 पे आ जाएगा। दूसरा एक ब्लू आर्मर का दिख रहा है, ये वन टाइम यूज़ है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते एक बार फिक्स करने के बाद। इसका प्राइस जो है 399 है। मैं आप लोगों को एक्शन प्रो सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये रिमूवेबल भी है और आप इसको फिक्स करने के बाद भी अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है माउंट और स्क्रू किट। यहाँ पे आपको कुछ माउंट मिलते हैं, कुछ स्क्रू मिलते हैं और 3M का स्टिकर भी मिलते हैं। तो जो स्क्रू है वो यूज़ होने वाला है अभी, और प्रीवियस प्रोडक्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और ऑप्शन है अगर आप लोग हेलमेट चेन माउंट नहीं बाई करते हो, आप अगर माउंट या स्क्रू किट बाई कर लेते हो तो यहाँ पर आपको कुछ माउंट मिल जाते हैं। ये माउंट को आप डायरेक्टली अपने हेलमेट के साथ एम सील से चिपका सकते हो और ये किट का प्राइस 249 में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ट्राइपॉड माउंट एडाप्टर। ये एक्शन प्रो का है और ये आपके मोबाइल होल्डर को आपके माउंट के साथ अटैच करने के लिए काम पे आएगा, तो इसका प्राइस 199 है। और बात करते हैं अब आखिरी प्रोडक्ट की, तो ये है ट्राइपॉड मोबाइल होल्डर। स्क्रीन पे आप दो होल्डर्स देख सकते हो, एक है स्लोविक का जो कि 360 प्रोटेक्शन देता है और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 290 रुपीज़ है, और दूसरा यहाँ पे एक नॉर्मल है जो कि लगभग 150 तक आपको मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा स्लोविक का ट्राइपॉड मोबाइल होल्डर लेने के लिए क्योंकि ये ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है कम्पेयर टू नॉर्मल मोबाइल होल्डर्स। तो वीडियो के लिए सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अब ऑडियो के लिए एक चीज़ आपको चाहिए होगा और वो है एक अच्छा सा माइक। तो मैं स्क्रीन पे दो आप लोगों को माइक दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो मोनाओ का भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप बोया का भी यूज़ कर सकते हो। तो मोनाओ का जो है उसका प्राइस कम है और वो शॉर्ट भी है, तो आप उसको हेलमेट ईजिली माउंट कर सकते हो और इसका प्राइस लगभग 300 के अराउंड आ जाएगा। और बोया का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है और क्लियरिटी बोया में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो आप अपने हिसाब से एक माइक चूज़ कर लेना। ऑलराइट, तो गाइस कुल मिला करके ये सारे प्रोडक्ट्स सही होगा आपको एक अच्छा सा मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको अपने मोबाइल को हेलमेट पे माउंट करना होगा और एक अच्छा सा मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बिल्ड करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको अपने चेन माउंट को हेलमेट के साथ माउंट कर देना है। चेन माउंट के नीचे वाला स्ट्रिप के साथ ऊपर वाला स्ट्रिप को सही तरीके से आपको फिक्स कर देना होगा। ऊपर पे एक हुक भी मिलता है छोटा सा, तो हुक को आपको प्रेस करके टाइटली बिल्कुल आपको जो है अपना स्ट्रिप को फिक्स कर देना है। तो मैं फिक्स करता हूँ, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करें। तो फाइनली हेलमेट चेन माउंट हेलमेट के साथ सही तरीके से फिक्स हो चुका है, आपको भी इसी तरीके से फिक्स कर लेना है। अभी नेक्स्ट आपके हेलमेट चेन माउंट के साथ आपके जो ट्राइपॉड मोबाइल एडाप्टर मिलता है उसको अटैच कर देना है, और अटैच करने के लिए आपको एक स्क्रू की ज़रूरत पड़ेंगे। तो स्क्रू आप जो मैंने किट का प्रोडक्ट बताया था उस किट के प्रोडक्ट से आप जो अपना एक स्क्रू ले लेंगे बड़ा वाला, और आप अपने ट्राइपॉड माउंट को एडाप्टर के साथ अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारा ट्राइपॉड माउंट एडाप्टर भी सही तरीके से फिक्स हो चुका है हेलमेट के ऊपर। नेक्स्ट आपको अपने मोबाइल होल्डर को अपने माउंट के साथ सही तरीके से अटैच करना है। अटैच करने के लिए आप जो ऊपर स्क्रू है उसको आप लूज़ करके अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करके सिंपली आपको जो है अपने मोबाइल होल्डर को अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से।
मोबाइल होल्डर भी सही तरीके से अटैच हो चुका है और कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने मोबाइल होल्डर पे सही तरीके से फिक्स कर देंगे। नीचे वाला जो स्क्रू दिख रहा है वो स्क्रू से आप जो है सही तरीके से बिल्कुल टाइट कर देंगे, और अगर आपको एडजस्ट करना रहेगा ऊपर या नीचे तो वो स्क्रू को लूज़ करके आप कर सकते हैं। ऑलराइट, वीडियो के लिए पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी बारी है ऑडियो की। तो ऑडियो के लिए आपको अपने माइक को अपने हेलमेट के अंदर सही तरीके से फिक्स करना होगा। उसके लिए आपका जो पैडिंग रहता है हेलमेट का, उसको आपको निकालना होगा और आपको अपने माइक को उसके अंदर फिक्स करना होगा। कॉस्टली हेलमेट्स में मैक्सिमम जो है रिमूवल पैडिंग रहता है, तो इजीली आप उसको रिमूव करके फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास नॉर्मल सा हेलमेट है और वहाँ पे अगर वो नॉन रिमूवेबल है पैडिंग, तो आप उसमें जो है कोई भी चीज़ से छेदा करके उसके बाद अपने माइक को अंदर पे फिक्स कर सकते हो। तो फाइनली कुछ इस तरीके से हमने अपना माइक को भी सेट कर दिया है हेलमेट के अंदर। तो अभी इसको हम पहनते हैं और चलते हैं हाईवे पे और आपको दिखाते हैं वीडियो और ऑडियो क्वालिटी। तब तक के लिए आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करें। तो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे पे और आप लोग वीडियो और ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हो। आई होप कि सब कुछ सही आ रहा होगा। मैं बाइक रोकने के बाद ही देख पाऊंगा कि सही है या नहीं, और शायद से आप लोगों को बाइक और रास्ता दोनों का व्यू एक साथ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैक्सिमम मोबाइल पे वाइड एंगल से हम वीडियो नहीं कर सकते। तो मेरे मोबाइल में भी जो है वाइड एंगल से वीडियो सपोर्ट नहीं करता है, तो ये मैं अपना नॉर्मल मेन कैमरा से कर रहा हूँ। वीडियो फुटेज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रीट व्यू ज़्यादा चाहिए तो आप मोबाइल को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, और अगर आपको बाइक के पार्ट को ज़्यादा दिखाना है वीडियो में तो आप जो है मोबाइल को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। और एक अच्छा ऑडियो आउटपुट के लिए आपको अपने माइक को अपने माउथ के आसपास ही रखना होगा, बहुत ज़्यादा पास नहीं रखना है, नहीं तो वॉइस ख़राब हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है, नहीं तो आवाज़ जो है बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आसपास अपने माउथ के रखेंगे तो एक अच्छा सा आपको ऑडियो आउटपुट भी मिल जाएगा। तो गाइस कम बजट पे आप लोग भी इस तरीके से अपना एक अच्छे तरीके से मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बना के मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूँ, एक मैंने जो है राइड अभी कंप्लीट किया है, और वो भी पूरे के पूरे हमने जो है मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग के साथ ही किया है। तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वो जाके आप KTM का राइड देख सकते हैं, तो आपको और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ।